तुम्हारे 4 दिन 4 दिन so tired so guys like sabse mein to jana chahega hame pata chala ki aapki team jeet gayi congratulations thank you so much kaisa raha match aapko bataya to kitna excited the bahut acha raha match hum log subah se नाच रहे गा रहे मैच खेला बॉलिंग की बैटिंग की मतलब वी आर सो टायर्ड और हम आपको बता नहीं सकते इतने खुश है कि हम लोग फर्स्ट बीसीएल मैच फर्स्ट रावड़ी बैंगलोर की टीम की मुंबई टीम के साथ हुई थी और हुई और फर्स्ट मैच हम लोग जीत गए हमने बहुत मेहनत करी थी बहुत चिल आउट है आउट है आउट है बोल चिल्ला चिल्ला के आवाज पूरी बैठ गई है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो कभी किसी ने मैच खिलाया नहीं बट हम हिम्मत रखते हैं लड़के हो हम आर्टिस्ट है हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमको मौका मिला स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत अच्छा थैंक्स टू एकता कपूर और थैंक्स टू बीसीएल के आई मीन हम फीमेल आर्टिस्ट को हमको मौका दिया फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेल फीमेल साथ में क्रिकेट खेल रहे बहुत मज़ा आ रहा है और हमें पता चलता है अभी कि ग्राउंड में जाके तो तोते कैसे उड़ते हैं और जो 2020 का मैच जो इंडियन खिलाड़ी जो इंडिया के लिए खेलते हैं कोई इजी नहीं है मतलब धुरंधर से धुरंधर खिलाड़ी जीरो पे आउट होता है या नॉर्मल जिससे हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं वो चौके छक्के डालता है और विकेट लेता है बहुत बड़ी बात है बिल्कुल सफाई अभियान हम लोग ने पटना में जाके लगाया और स्कूलों में गए तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग रबड़ी बैंगलोर टीम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदुस्तान में हर जगह जाके रबड़ी बैंगलोर टीम जो है वो पब्लिसिटी कर रही है वो और भी हम बैंगलोर भी जाएंगे हम हर जगह जाएंगे मज़ा आएगा चार चार मैच है चार चार मैच डेफिनेटली एक टीम तो खेलेगी खेलेगी 8 टीम है बीसीएल की तरफ से तो मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान को ये कहना चाहती हूँ कि ये मैच सोनी टीवी पे जरूर देखना इसलिए देखना कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट कैसे कैच पकड़ते हैं कैसे विकेट लेते हैं कितनी चोटें आती है कैसे चौके छक्के लगाते हैं और कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं आपको ये देखना जरूर आप लोग हंस हंस के पेट दुख जाएगा आपका तो और ये आपको बहुत मज़ा आएगा और सामने की टीम में हालांकि जो दूसरे एक्टर वो हमारे दोस्त भी है लेकिन क्रिकेट खेलते टाइम हम बिल्कुल दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि हम गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जो एम्पायर होता है सब कुछ एम्पायर के हाथ में होता है वाइड बॉल होता है विकेट होता है तो सारा डिसीजन उनके कंधे पर होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम पूरा इंतज़ार करते हैं एम्पायर का कि वो क्या बोलेंगे आउट बोलेंगे नो बॉल बोलेंगे वाइड बॉल बोलेंगे क्या बोलेंगे तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता है और सबसे लड़ने में भागने में डांस करने में कि दूसरों की खिंचाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा बहुत लड़ाइयाँ हुई आज तो बहुत लड़ाइयाँ हुई बहुत बार मतलब एम्पायर हमसे थक गए उन्होंने कहा भैया कि जो मेन प्लेयर होते हैं जो 2020 खेलते हैं उनके साथ एम्पायर को आए थे उनके साथ इजी लगता होगा लेकिन एक्टरों के साथ ओ माय गॉड वो तो मतलब बहरे हो गए और हमारे तो खिलाड़ियों ने तो उनको इतनी किसे करी वैसा मेन इसमें अलाउड नहीं होता सब आप अपने एटीट्यूड में रहते लेकिन हम आर्टिस्ट लोग बहुत चिल रहते हैं थैंक यू Does this tomorrow? Tomorrow, 7 o'clock. Morning. Sorry. Yeah. Yeah. Yeah.
थैंक यू सो मच. बहुत टफ रहा हमारे लिए ये मैच खेलना और जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से किसी तरह से टाइम निकाल के क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें बिल्कुल ढंग से मौका नहीं मिला था प्रैक्टिस करने का. लेकिन जो हमारे कोच ज्वाला सर हैं जो हमारे ओनर हैं मयंक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. रात रात भर नहीं सोए हमें प्रैक्टिस करवाई हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया और टुडे वी मेड इट. आज डॉली बिंद्रा आई थी तो ऑफकोर्स सी बात है फिर हम चुप कैसे रहेंगे. सी बहुत सारी चोटें लगी हैं जो कि एक्चुअली चोटें लगी हैं जो कि एक्चुअली बहुत मीठा सा पेन दे रही हैं. अभी अगर हम हार गए होते तो हमें बहुत दुख होता बट क्योंकि हम जीते हैं और मैंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को लगता है कि लड़कियां नहीं कर पाती लड़कियां नहीं खेल पाती बट हियर नाउ सी लड़कियां बहुत अच्छा खेल पाती हैं और हम कंटिन्यूसली दो बार विकेट भी ले सकती हैं और हम बैटिंग भी कर सकते हैं और फील्डिंग भी कर सकते हैं. क्योंकि मैं अपना ड्रेस लेकर आई थी कैरी कर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने लास्ट सीजन भी खेला हुआ है. आई वॉज देयर लास्ट सीजन हमने खेला मैच तो मुझे पता था कि हर बार पार्टी होती है और आई एम ऑल रेडी फॉर पार्टी आफ्टर इवन डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क पार्टीज ऑलवेज एक्साइट मी एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट. फील्ड पे जाके कोई मेरा दोस्त नहीं होता चाहे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो वो अगर अपोजिट टीम से है तो वो मेरा दुश्मन है जब तक हम फील्ड पे हैं उसके बाद हम दोस्त. इंशाल्लाह आमीन थैंक यू सो मच.